जिला अस्पताल बागेश्वर में एक महिला चिकित्सक द्वारा मरीज व उनके तीमारदार के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने के विरोध में कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने समर्थकों के साथ जिला अस्पताल में धरना दिया। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा अक्सर मरीजों व तीमारदारों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज उनके सामने ही एक मरीज तथा उनके परिजनों के साथ महिला चिकित्सक द्वारा बुरा व्यवहार किया गया, जिससे मरीज व उनके परिजन आहत हैं। अस्पताल में मरीजों का अपमान नहीं होने दिया जाएगा। बाद में अस्पताल के CMH डॉक्टर विनोद कुमार टमटा ने जांच करने तथा कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। CMS ने कहा कि मरीजों व तीमारदारों के साथ सभी चिकित्सकों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर द्वारा इमरजेंसी की पर्ची न बनाने पर महिलाओं को डराया धमकाया जा रहा था, तो जब हमारे द्वारा व्यक्तिगत इसकी जानकारी CMS को दी गई और महिला डॉक्टर से पूछताछ की गई, तो मैं महिला डॉक्टर के द्वारा ऐसा ही बर्ताव जो है हमारे सामने पुनः जो पीड़ित महिला थी उससे करा जा रहा है, तो हमको लगा कि भाई जब एक जनप्रतिनिधि के सामने महिला डॉक्टर द्वारा ऐसा व्यवहार उस पीड़ित महिला से हमारे सामने करा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस जो इमरजेंसी में जो बैठे हुए जिम्मेदार डॉक्टर हैं उनकी कार्यप्रणाली पर हम लोग नाखुश थे और हमने तत्काल CMS महोदय से कहा कि भाई ऐसे जो डॉक्टर साहिब हैं उनके खिलाफ़ विभाग एक्शन लें, और विभाग को एक्शन नहीं लेगा तो हम बैठे पड़े, और जब एक्शन लेंगे तो भाई क्या कार्रवाई हुई, कृत कार्रवाई से हमको अवगत कराएं, हम तभी बैठे। मामला विधायक जी ने शिकायत की कि महिला डॉक्टर द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। अब तो जांच का विषय देखना पड़ेगा क्या अभद्रता की गई। अभी दो जो अभी मुझे बात करने पता लगा है डॉक्टर आशा मेहता से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि कोई महिला के मेडिकल के संबंध में आए थे विधायक जी, इसके बारे में उन्होंने कहा कि मेडिकल जो है OPD टाइम में फिजिशियन ऑर्थोपेडिक सर्जन और आँखों की जाँच के उपरांत ही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। शायद विधायक जी को कुछ गलतफहमी होगी इसमें, हो सकता है, लेकिन क्या हुआ है तो जांच का विषय जांच के बाद ही पता लगेगा। जांच के उपरांत जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।